अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग 2-3 में देखेंगे कि एनिमेशन को किस तरह रेंडर कर सकते हैं ब्लेंडर के अंदर। दोनों की अप्स एंड डाउन्स भी देखेंगे जो कि किस लिहाज से बेहतर है। तो सबसे पहला तरीका तो ये होता है कि आप डायरेक्ट जो है वीडियो एनिमेट करें। तो मेरे पास ये फाइल है, मैं इसे वीडियो के तौर पर एडमिट करना चाहता हूँ। ये कोई 120 फ्रेम्स की एनिमेशन है, ठीक। तो इसका सबसे पहला तरीका तो यही होगा कि जो आउटपुट है, ठीक है, इसकी लोकेशन लोग चेंज करेंगे, ठीक। मैं डेस्कटॉप के ऊपर रख रहा हूँ, आप सोच जगह पर भी रख सकते हैं। बाकी फल टेम्परेरी वाली जगह पे हम अपना रखिए, तो किसी और जगह पे रखें। तो मैं इसको माइन वाले फोल्डर के अंदर रख देता हूँ, ठीक। बल्कि मैं इसे एक नाम भी दे देता हूँ, इसका नाम से, ठीक। अब इसका नाम ये होगा, ठीक। तो उसके बाद अगर आप वीडियो चाहते हैं, सबसे पहले तरीका जो वीडियो वाला है, ठीक, वो है उसे PNG को FFmpeg में चेंज करें, ठीक। फिल्म वाले टैब आउटपुट प्रॉपर्टीज के अंदर उसे FFmpeg में चेंज करें। फिर इनकोडिंग उसकी चेंज करें, कंटेनर मिरर्स की बजाय MPEG-4 चेंज कर दें, ठीक। और ये मेथड जो है आप तब यूज़ करिएगा जब आपको पता है कि आपकी मतलब ब्लेंडर किसी भी लिहाज से कैंसिल नहीं होगी, आपका सिस्टम क्रैश नहीं होगा, ठीक। उसको ऐसा करें, क्योंकि मसला ये है कि अगर समझ लें कि आपका सिस्टम क्रैश हो जाता है, रुक जाता है, तो अगर समझ लें 50 फ्रेम्स रेंडर हो चुके हैं, ठीक, आपका सिस्टम क्रैश हो जाता है, रुक जाता है, तो साथ ज़ाया हो जाएगा। इस केस में यह है कि आपको कन्फर्म होना चाहिए कि उसकी मतलब जो है आपका सिस्टम हैंडल कर सकेगा। उस केस में अपने ये वाला तरीका यूज़ करना है। आउटपुट क्वालिटी आप अगर इमिशन यूज़ करें तो कांस्टेंट बिट रेट सही रहेगा। इमिशन शेडर का आपने यूज़ किया हुआ है। और वीडियो कंटेंट जो है ये भी MPEG-4 DivX कर लें, ठीक। और उसके बाद अगर आपको ऑडियो ऐड करेंगे, वो ऑडियो ऐड करेंगे, मैं तो उसके लिए नहीं करूँगा। और उसके बाद फिर आप रेंडर एनिमेशन करेंगे, जिस फोल्डर में हुआ है उस तरह से कर लेंगे, लेकिन उसमें आप रेंडर होकर आ जाएगा। लेकिन अगर आप समझ लें, मतलब आपको पता है आपका सिस्टम हैंडल नहीं कर सकेगा, कोई फ्लूइड सिमुलेशन है, पार्टिकल सिस्टम बहुत ज़्यादा एडवांस में ज़्यादा सारे पार्टिकल सिस्टम है, तो आपको पता है कि आपका सिस्टम हैंडल नहीं कर सकेगा, समझ लें। इसी तरह से 120 फ्रेम की एनिमेशन है, ठीक है, आपको आप रेंडर करते हैं तो वो नहीं होती। तो उसका तरीका यह है कि आप पहले इंडिविजुअल फ्रेम्स को रेंडर करेंगे, ठीक। उसका तरीका मैं आपको अभी बताऊँगा। इंडिविजुअल फ्रेम्स को रेंडर करेंगे और फिर उसके बाद में कंबाइन करेंगे ब्लेंडर के अंदर। उसकी अपनी एडवांटेज ये होगी कि अगर आप समझ लें बाद में कुछ 5 या 6 फ्रेम्स को एडिट करना चाहते हैं, उनको चीज़ ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको पसंद नहीं आई, किसी का काम नहीं चल रहा, तो आप उसे चेंज मतलब कर सकते हैं। ज़्यादा ईजी है और इंडस्ट्री लेवल के ऊपर भी उससे ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो उसका तरीका सबसे पहले तो ये होगा कि इसका आउटपुट क्वालिटी हम लोग चेंज कर देंगे, ठीक। FFmpeg के बजाय इसे PNG वापस कर दें, ठीक। बाकी कलर डेप्थ वगैरह आपकी अपनी मर्जी है। और आप सबसे पहले उसका करें, ठीक, उस तरह से उसकी जो लोकेशन है वो सेट करके, ठीक, उसका नाम देके सब मैंने ये किया हुआ है, और उसे रेंडर कर दें, ठीक। और मेरे पास रेंडर किए हुए फ्रेम्स, ठीक, इस तरह से काफ़ी सारे फ्रेम्स वाले रेंडर हुए हुए हैं, 100 फ्रेम्स की एनिमेशन है। तो इसे कमांड करने का तरीका ये होगा कि आप सबसे पहले प्लस साइन है बाई डिफॉल्ट, या ऑप्शन इस तरह प्लस साइन शो होगा, इसे क्लिक करें, ठीक। वीडियो एडिटिंग चाहिए और फिर वीडियो एडिटिंग इसके अंदर ओपन कर दें। बाकी फर्स्ट का ये सारा सेटअप होगा। और जो अपने टोटल फ्रेम्स कंबाइन करने हैं वो 100 फ्रेम्स थे, ठीक है, ये टोटल 100 फ्रेम्स हैं। तो मैं इसकी जो एंड फ्रेम है वो चेंज कर 120 से 100 चेंज कर देता हूँ, ठीक। और उसके बाद फिर मैं उसे ओपन करना चाहता हूँ कि वो जो फ्रेम्स हैं उन्हें मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो उन्हें ऐड करने के लिए ऐड को क्लिक करें, ठीक, इमेज सीक्वेंस उसे क्लिक करूँगा मैं। और मैंने उन्हें डेस्कटॉप पर रखा हुआ है, आपने जहाँ भी वो फ्रेम रेंडर करके रखे हुए थे PNG फ्रेम्स, उन्हें वहाँ पे आपने ओपन करना है। मैंने कंबाइन के नाम से रखा हुआ था, उसे क्लिक किया पहले वाले को और फिर शिफ्ट दबा के लास्ट वाले को क्लिक किया, तो सारे फ्रेम्स हो गए। और फिर ऐड इमेज स्ट्रिप, अब ये सारे एक इमेज स्ट्रिप के तौर के ऊपर ऐड हो गए। तो मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ, स्पीड थोड़ी ऑब्वियसली स्लो होगी ज़्यादा, ठीक। इस तरह से वो सारे फ्रेम्स जो हैं इंडिविजुअल, वो अब सारे वीडियोस के फॉर्म में आ रहे हैं। तो इन्हें भी रेंडर करने का तरीका वही है, लेकिन यह है कि इस ब्लेंडर के ऊपर लोड कम पड़ता है। पहले ब्लेंडर सिर्फ मतलब अगर आप पूरी वीडियो डायरेक्ट ही रेंडर करते हैं तो उससे होता है कि ब्लेंडर सारा कुछ रेंडर भी कर रहा है, सारा कमांड करके वीडियो बना रहा है। इस तरह यह है कि जब सिर्फ इमेजेस इंडिविजुअल बना के यहाँ पर रखता जा रहा है, और यह आपको एडिटिंग में भी ज़्यादा आसानी देगा। और उसके बाद फिर रेंडर करने का तरीका यह है कि वापस हम लोग रेंडर सेटिंग्स में जाएँ, ठीक। इसी तरह से लोकेशन सेट करें, उसी तरह से PNG को चेंज करके FFmpeg कर लें, इनकोडिंग को चेंज करके कंटेनर को MPEG-4 कर लें। क्वालिटी देन ये वाला इमिशन था, इसलिए मैंने फिर कांस्टेंट बिट रेट रखा था। जब भी इमिशन शेडर यूज़ करें तो कांस्टेंट बिट रेट ही ज़्यादा सही रहेगा। और वीडियो को रेट उसे भी चेंज करें, DivX में कर दें। और फिर उसी तरह से जब आप करेंगे रेंडर एनिमेशन तो इन सारे फ्रेम्स को कंबाइन करके वो एक एनिमेशन क्रिएट कर देगा इस तरह के। तो उम्मीद है आप सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। तो फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।